गुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण मैं आप जी की मुलाकात दरबार साहब श्री अमृतसर साहब तो हेड ग्रंथी भाई जसविंदर सिंह जी के नाल करवाना चाहना हाँ। सतगुरां दी साजी नवाजी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब गुरु नानक देव पातशाह जी ने सिख पंथ की साजना की अते आप प्रचार प्रसार किया। पर सतगुरु नू भी लोग कोई आखे भूतना, को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक बेचारा। सतगुरां नू भी ऐसे शब्द लोग आखदे रहे, कोई कुराइया आखदा रहा, कोई ताल्यों खुंजा आखदा रहा। पर वो तो सतगुरु सी, पर ऐसे प्रचार प्रसार करन वाले गुरु घर दे अंदर संत रणजीत सिंह जी ढडरिया वाले महापुरख, क्योंकि काफ़ी समय तो असी दास जदों दी सचखंड श्री हरिमंदर साहब की सेवा संभाली है, असी समागमां दे विच इकत्र हुंदे रहिंदे आ ते ओ सिख पंथ दा प्रचार कर रहे हन। असी ऐसी गल कदी उन्हां दे जीवन दे विच कोई ऊणताई नहीं देखी। सारे सिंह साहिबान असी गुरमत समागमां विच इकत्र हुंदे रहिंदे हाँ, तो सारियां संगतां नू दास वल्लों बेनती कीती जांदी है देश विदेश विच, क्योंकि सारे धर्म अपना अपना प्रचार कर रहे हन, साडा भी ये प्रचार होना चाहिदा है। ते जिहड़े इस तरहां दे उहनां दे उत्ते दोष लगे हन, असीं उहनां दे दोषां दी एक बहुत करड़ी निखेधी करदे हाँ। ते ओह तां सिख पंथ दा अंग हन, साडा प्रचार पहला ही घट है। वो जदों दीवान लगाते हैं कितने कितनिया सिख संगतां उन्हां दे दीवाना विच कतर होंदियां हन, तो इस करके आप सिख संगतां सुचेत रहो। कई झूठे बेबुनियाद जिहड़े लोग हन वो इस तरह दे दोष ला देंदे हन। दास वल्लों बेनती है कि आपां एक सिख पंथ की बहुत वड्डी शक्ति बन के रहिए। जिहड़े नौजवान बच्चे साडे केसां तों पत्त धो रहे ने, नशे कर रहे हन, ते असी प्रचार करके उधर अपना ध्यान जिहड़ा है जोड़िए। ऐसे महापुरखां ते दीवानां दे विचों असी लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्नवाद। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की।